ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के बाजारों में अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाजारों में व्यापारी ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपना सामान एक तो सड़कों पर लगा देते हैं, यही नहीं फिर उसके आगे रेड़ी वालों को भी जगह देते हैं। ग्राहकों की संख्या और अतिक्रमण बढ़ने की वजह से बाजार दिन प्रतिदिन छोटे होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को चलने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है, इसलिए नगर परिषद ने मुहिम चलाई है कि उनकी गाड़ी बाजार में चक्कर लगाएगी, जिसका भी सामान बाहर दिखेगा उसे जब्त करेगी। सोलन के बाजारों में अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाजारों में व्यापारी ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपना सामान एक तो सड़कों पर भी लगा लेते हैं, यही नहीं फिर उसके आगे फड़ी वालों को भी जगह दे देते हैं। ग्राहकों की संख्या और अतिक्रमण बढ़ने की वजह से बाजार दिन प्रतिदिन छोटे होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों को चलने की जगह तक नहीं मिल रही, इसलिए नगर परिषद ने मुहिम चलाई है कि उनकी गाड़ी बाजार में चक्कर लगाएगी और जिसका भी सामान बाहर दिखाई देगा उसे जब्त करेगी। इस कार्रवाई से सोलन शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए सामान जब्त करने आए नगर परिषद के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के निर्देश हुए हैं कि जिस दुकान का सामान सड़क पर लगा होगा उसे जब्त करना है, इसलिए उन्होंने अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का सामान जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई लगातार यूं ही जारी रहेगी और जो भी अतिक्रमण करेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इन लोगों को पिछले 2 महीने से हम वार्निंग दे रहे थे, ये लोग सामान बाहर रखने से बाज नहीं आ रहे थे, जिसके कारण हम बार बार इनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं दुकानदारों को, ये लोग नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से अब मुझे आदेश हुए हैं कि गाड़ी लेकर जाओ और जो सामान बाहर दिखता है वो उठाओ गाड़ी। अब ये कुछ लोग जो है बिल्कुल ही बेशर्म है, ये नहीं मानते हैं और भविष्य में भी ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी और सामान उठाया जाएगा। मुझे जो ड्यूटी दी गई है मैं उसके लिए रात दिन एक करूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी भविष्य में मैं दिन में 4-4 बार गाड़ी भी लाऊंगा।